डीडवाना जिले के छापरी गांव के शहीद छोटू राम की कलाई पर उनकी बहनों ने राखी बांधी और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया। शहीद छोटू राम 4 जून 2006 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बीते 17 सालों से उनकी बहनें विमला और गीता अपने भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधते स्मारक पर पहुंचती हैं। पर सबसे पहले जितनी हमारी बहनें आती है वो पहले अपने शहीद छोटू राम को राखी बांध के उनका स्वागत करती है, उसके बाद में अपने घर में जाती है और बाकी जो भाई है दो सोनलाल और उसके बाबूलाल को उसको राखी बांध के और घर में सबको उसी हिसाब से मनाई जाती है राखी का त्यौहार। 6 आतंकियों को मार गिराया था, उसके बाद उन्होंने काफ़ी लॉन्ग समय तक 24 घंटे के ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए फिर प्राणों का न्यौछावर किया था और जो कि आज उसके नाम से पूरा देश और प्लस अपना गांव तो है ही है प्लस पूरा देश भी आज उसके नाम को याद करता है और टू गंडी डेरू की आज भी छवि बरकरार है। नाम तो छोटू राम और 4 जून 2006 में शहीद हुई और देश की खातर जो को प्राण दिया तो भाई माने गर्व है कि माँ को भाई देश की खातर हुए शहीद और सब कोई मान है बिग मान है और हूं चाहिए देश की खातर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयपुर के आमेर विधानसभा क्षेत्र में कमल राखी संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने उनकी राखी बांधकर दीर्घायु की कामना की। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बनाने के लिए भरपूर समर्थन का वायदा भी किया। विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, मैं केवल इसको क्षेत्र नहीं मानता, परिवार मानता हूँ और परिवार की तरह मैं हर तबके के बीच में कोशिश करता हूँ कि सबको साथ लेकर हम यहाँ के क्षेत्र के लोक कल्याण के लिए काम करें। हर वर्ष मुझे बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, उसी का नज़ारा है कि आज बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। आज जो भाई साहब के सानिध्य में जो राखी संगम उत्सव मनाया जा रहा है, इसका संकेत यही है कि दोबारा इनको जिताकर राजस्थान की विधानसभा में विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए ये माता बहनें भेजेंगी और भारी बहुमत के साथ हम जिता के भेजेंगे।